नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं द एसजी न्यूज़। मैं मौजूद हूं बोरिंग रोड में, और राजनीति की जो शुरुआत होती है वो चाय दुकान से होती है, और सुबह सुबह लोग चाय पीने पहुंचते हैं, और राजनीति की जो बातें होती है वो चाय से होती है। देख सकते हैं कि चाय जो है किस तरह से खौल रहा है, उसी तरह से राजनीति की जो गर्मियां हैं वो खौल रही है। और कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से कल महागठबंधन में मुकेश सहनी का सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन टूट गया है, और मुकेश सहनी की नैया जो है कैसे पार लगेगी। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से मुकेश सहनी का कल जो है गठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने विरोध कर दिया, क्या लगता है महागठबंधन में इसका कितना असर पड़ पाएगा? महागठबंधन तो बनना ही नहीं है, और बनने के पहले ही बिखर जाएगा। तो किस इस बार नैया किसकी पार लगेगी? बीजेपी, और उसके अलावा तो कोई है नहीं। तो बीजेपी की नैया पार लगेगी, ये भाई साहब बोल रहे हैं। कुछ और भी हैं, बड़े भाई हैं हमारे, उनसे भी बात करते हैं। जिस तरह से कल महागठबंधन में विद्रोह हो गया और मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही अपना विद्रोह कर दिया, क्या लगता है महागठबंधन की नैया पार लगेगी? उनको तो कभी आना ही नहीं था। अब जो है हम लोगों को जदयू और बीजेपी के साथ ही रहना है, और इसके अलावा हम लोग क्या बोले। और भी लोग हैं, पूछ लीजिए। तो कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि जिस तरह से इस बार किसकी नैया पार लगेगी। भाई साहब कह रहे हैं नहीं बोलेंगे, लेकिन राजनीतिक का माहौल है, कुछ ना कुछ तो कहना होगा कि इस बार जो है मुकेश सहनी नैया की पार लगाने वाले थे, और नैया की पार जो है वो टूट गया है, इस बार ही रह गया। क्या लगता है महागठबंधन का नैया पार हो पाएगा? तेजस्वी यादव को जिताना हमने के फर्ज है। कहा कि नीतीश कुमार मनभरू हो गया है, वो अब काम करेगा नहीं, गले कुची में वो नहीं आएगा। तेजस्वी यादव जीत जाएगा तो हमने का फिर नया सरकार बन जाएगा बिहार। कहा जाता है कि जंगल राज है, नहीं ये नीतीश कुमार का कहनाम है कि जंगल राज है, वो जंगल राज नहीं है। अब ठोकर लग गया है, अब काम करेगा बिजोर। तो मुकेश सहनी गठबंधन से टूट गए हैं, क्या असर पड़ेगा? असर हल्का फुल्का पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस आई ये है ललटेन। तेजस्वी की नैया पार हो जाए? हाँ, नैया पार हो जाए तेजस्वी, मुकेश सहनी के बिना। बिना मुकेश सहनी का ठीक है, बिना मुकेश सहनी के नैया पार हो जाएगी। कुछ और भी भाई हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जिस तरह से कल तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया महागठबंधन में को लेकर, और सीट शेयरिंग को लेकर मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही विद्रोह कर दिया, क्या लगता है कि नैया पार हो जाएगी तेजस्वी? देखिए, महागठबंधन का ऐसे भी सरकार आना है इस बार, ठीक है ना। और जहाँ तक मुकेश सहनी की बात है तो मुकेश सहनी थोड़ा ज़्यादा उछल रहे थे, उनको ज़्यादा सीट चाहिए था, वो कहीं नहीं मिलने वाला है। उनको 2 से 4 सीट ही उनके औकात तक है। तेजस्वी क्यों? क्योंकि युवा नेता है, और बिहार में युवा का ही अभी बोलबाला रहेगा। कहा जाता है कि जंगल राज है, तेजस्वी के राबड़ी और लालू की जंगल राज है वो। मैंने 15 साल पहले जंगल राज था, तो ये 15 साल क्या था? ये मंगल राज था, ये भी तो जंगली राज है। उस समय रेप नहीं होता था, मर्डर होता था, तो मर्डर गरीब आदमी का नहीं होता था, लेकिन आज तो गरीब आदमी और रेप तो है गरीबों का होता है। अमीर का कहाँ रेप हो रहा है, रेप तो गरीब आदमी का होता है। तो इसलिए गरीब का सरकार चाहिए, अमीर का सरकार क्या चाहिए? अमीर तो ऐसे भी खुश है। गरीबों का सरकार के लिए महागठबंधन ही जरूरी है। मुकेश सहनी नैया बना के तैयार थे नैया पार लगाने के लिए महागठबंधन की, क्या लगता है नैया पार हो पाएगा? नहीं, टूट गया ना। मुकेश सहनी नैया क्या प्यार करेंगे, उनका अपना ही खुद अथी नहीं है, जनाधार नहीं है, तो वो क्या दूसरे का नैया प्यार करेंगे। लेकिन हाँ था कि 2-4 सीट वो लाते, लेकिन अगर आप गठबंधन में वो नहीं रहेंगे तो 1 सीट भी नहीं लाएंगे, और वो ऐसे ही रहेंगे, NDA में जाएंगे ने महागठबंधन में आएंगे, वो बीच में रह जाएंगे। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरह से कल महागठबंधन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ सीट शेयरिंग को लेकर, और मुकेश सहनी ने विद्रोह कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही, क्या लगता है इस बार महागठबंधन की नैया पार कर पाएंगे? हमारा तो नहीं लगता है, जिस तरह का हुआ ऐसा तो नहीं लगता है। और तो मुकेश सहनी तो किसी में तो मिलवे करेंगे, कुशवाहा में या कोई में, अभी तो बहुत समय बाकी है, यही कहेंगे। तो तेजस्वी की नैया पार नहीं हो पाएगी? लक्षण तो खराब है, लक्षण खराब है, इसे वही से नहीं कर सकते हम। तो किसकी सरकार बनेगी? हमारा तो लगता है जो है वही सरकार बनेगी, नीतीश कुमार की। जी, तो कहते हैं नीतीश कुमार 15 साल तेजस्वी, तो क्या कीजिएगा आप? 50 आदमी का 50 धरिया 50 सोच, सब किस्म का आपको आस्वादी मिलेगा। हमारा तो यही लगता है कि जो सरकार वही रहेगी।
वही रहेगा, तो इससे नैया डूब गए ऐसे तो हम नहीं बोलेंगे, मतलब नैया लगती है पार नहीं लग पाएगी ऐसे नहीं बोलेंगे हम, तो ये नहीं बोल पाएंगे। कुछ और भी हैं गांव के लोग हैं हमारे साथ, और कुछ बड़े भाई भी हैं, वो भाग रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से महागठबंधन में कल मुकेश सहनी ने विद्रोह कर दिया है, क्या लगता है नैया पार लग पाएगी तेजस्वी की? अरे हम लोग तो वोट तो हम लोग तो लंटेन है ही है। हाँ हाँ, तेजस्वी यादव को जिताएंगे। हाँ बस, नीतीश कुमार को क्यों नहीं? अभी सब रोजगार सब धीरे धीरे सब बैठ गई। अच्छा, धीरे धीरे रोजगार बैठ गया। हाँ। तो क्या लगता है तेजस्वी यादव रोजगार 10 लाख लोगों को दे देंगे? दे देंगे पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास। तो 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात जो तेजस्वी यादव ने किया है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि कुछ लोग ने कहा कि तेजस्वी यादव रोजगार दे देंगे, कुछ लोग ने बीजेपी को समर्थन किया है और कुछ लोगों ने तेजस्वी यादव महागठबंधन को, तो ऐसी लोगों से आपको हर रूबरू कराते रहेंगे, हर चौक चौराहों से ऐसी खबरें आपको पब्लिक ओपिनियन के माध्यम से पब्लिक की बातों को आपको सुनाते रहेंगे। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहे दहेज़ जी।